नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। दरअसल पटना का मोइनुल हक स्टेडियम वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। इसमें क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों के आयोजन की भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष शुक्रवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कला संस्कृति और युवा विभाग ने मोइनुल हक स्टेडियम के रेनोवेशन से संबंधित प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसके डिजाइन बेहतर है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। अधिकारी विशेषज्ञ वहां जाकर हो रहे निर्माण से संबंधित जानकारी लें और उसके आधार पर यहां भी निर्माण कार्य की योजना बनाएं। इसके पहले कला संस्कृति और युवा विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने मोइनुल हक स्टेडियम के बैकग्राउंड और वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। इसके रिनोवेशन से जुड़े आर्किटेक्ट ने अपने प्रेजेंटेशन में PPR, नक्शा और प्राकलन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां पर वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने को लेकर डिजाइन तैयार की गई है, जिसमें वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम होगा, बेहतर पार्किंग की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और होटल के साथ साथ अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था रहेगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और CM के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह भी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कला संस्कृति और युवा मंत्री आलोक रंजन, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुभानी, नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, कला संस्कृति और युवा विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी और भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि भी मौजूद थे। आपको बता दें कि करीब 300 करोड़ रुपए इसके कायाकल्प में खर्च किए जाने की बात की जा रही है, जिसके तहत 5-स्टार होटल भी स्टेडियम परिसर में बनाया जाएगा। 9 पिच बनाए जाएंगे जिसमें की प्रैक्टिस होगी। स्टेडियम की लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी। क्रिकेट के अलावा हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स का भी आयोजन होगा। इससे पहले बिहार के खिलाड़ियों ने कई बार सरकार से इसकी शिकायत भी की है और अपनी परेशानियों को उनके समक्ष रखते हुए कहा है कि पटना में ऐतिहासिक मोइनुल हक स्टेडियम में खेलने लायक कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना तो पिच सही ढंग से है और ना ही यहाँ पर किसी बड़े खेल का आयोजन होता है, जिससे कि बिहार के युवाओं को और भी प्रोत्साहन मिले। लेकिन अब सरकार ने जो रणनीति तैयार की है, जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसके अनुसार अब इस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो जल्द ही मोइनुल हक स्टेडियम की दूसरी तस्वीर आपको देखने मिल जाएगी। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।